वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कार्बन किसी फ्यूल में है, ठीक है, तो अनबर्न कार्बन जो LOI हम बोलते हैं या अनबर्न कार्बन है ना, अनबर्न कार्बन का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एक कार्बन हम लेते, एक कोल हम लेते हैं, से एक कोल सैंपल है जिसमें टोटल कार्बन से 64% कार्बन है, ठीक है, और बाकी का 24% उसमें ऐश है, ठीक है। 64% कार्बन है, 24% ऐश है। तो अब क्या है कि हम जब पूरा कोल जला देते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास ऐश बचती है, ऐश प्लस लॉस ऑफ इग्निशन, ये जो टोटल बचता है ना, इस रिफ्यूज में 8% कार्बन है एंड रेसिड्यूअल पूरा का पूरा 92% ऐश है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो दोस्तों कि अगर हम कोई 100 kg सैंपल की बात कर रहे हैं तो 100 kg सैंपल में 64 kg कार्बन था, 24 kg ऐश था, और बाकी जो 2% रहा होगा वो जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट रहा होगा उससे मतलब नहीं हमको। तो हमको ये पता है कि इनिशियली हमारा कितना था, 64% कार्बन था और 24 kg ऐश था, ठीक है। तो ये जो 24 kg ऐश है ना, दिस इज 92% ऑफ दिस रिफ्यूज, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। इस रिफ्यूज का 92% है, ठीक है, इस रिफ्यूज का, और इस रिफ्यूज का वेट से हम एक्स ले लेते हैं, तो 24 इज इक्वल टू 92/100 इनटू एक्स। तो एक्स जो है, ये एक्स, ये एक्स, ये आर जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू 100 इनटू 24 डिवाइडेड बाय 92। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, मास ऑफ एश रिफ्यूज आर है ना, ये वैल्यू इसको सॉल्व करने से आ जा रही है 26.087 kg, ठीक है। और इसका 8% क्या है, इसका 8% कार्बन है, तो 8% ऑफ 26.08 इज कार्बन, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 26.08 डिवाइडेड बाय 100 इज कार्बन, दैट इज इक्वल टू 2.087 kg ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारे पास अनबर्न कार्बन, प्योर कार्बन आ गया, रिफ्यूज में कार्बन कितना था और इनपुट में कार्बन कितना था दोस्तों, 64 था। तो लॉस ऑफ कार्बन परसेंटेज अगर अपने को निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे निकालेंगे, देयरफॉर लॉस ऑफ कार्बन अनबर्न्ड इन परसेंटेज, ये कितना होगा, 2.087 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.26%, यानी कि 3.26% इस 64 kg का जला ही नहीं और वो ऐश के रूप में आपके पास रहा। फिर से एक बार समराइज करते हैं दोस्तों, एक कोल है, कोल में 64 kg, 100 kg कोल में 64 kg कार्बन है, 24 kg ऐश है, ठीक है। पूरे कंबशन के बाद जो ऐश प्लस कार्बन का वेट आता है ना, उस वेट का 8% कार्बन है और बाकी 92% ऐश है, ठीक है। तो ये 92% ऐश कौन सी वाली रहेगी, ये 24 kg रहेगी। इससे हम जब निकालेंगे दोस्तों, तो 92% ऑफ टोटल रेसिड्यू इज इक्वल टू 24, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी 26.0787, ठीक है, केजी। और इस 26.087 kg में 8% कार्बन है, तो 8% ऑफ 26.087 है ना, दैट इज इक्वल टू 2.087 kg कार्बन LOI के रूप में उसमें मौजूद है, केजी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो परसेंटेज कार्बन लॉस कितना हुआ, 2.087 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना कार्बन था, 64 था, इनटू 100, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.26%,
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।